एक बेहतरीन मैकेनिज्म के ज़रिए हम कम्युनिटी लेवल पे, यानी कम्युनिटी के ही पॉलिसी और कम्युनिटी से जो तजवीज़ करंदा चीज़ें हैं उन्हीं को लेके हम डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतरीन शक्ल दे रहे हैं पॉलिसी की सूरत में। तो ये मैकेनिज्म मैं समझती हूँ मदद फराहम करेगी, सपोर्ट फराहम करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इसके साथ साथ सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई हुकूमत को, और इसके साथ मैं समझती हूँ फेडरल हुकूमत को भी एक बेहतरीन मैकेनिज्म के ज़रिए न सिर्फ सपोर्ट फराहम करेगी बल्कि एक ले आउट या फिर गाइडलाइन समझ लीजिए कि उन्हें मिल सके ये कि वो किसी भी जगह, और स्पेशली अगर खुजदार को देखा जाए तो मैं समझती हूँ ये इंटरवेंशन करने की खुजदार में बेइंतहा ज़रूरत है। इसकी ख़ास वजह ये है कि खुजदार एक बिखरे हुए पापुलेशन की मुनासिबत से इसकी पापुलेशन मुकम्मल तौर पर बिखरी हुई है, तो शायद किसी और जगह पे वो फैसिलिटीज़ या फिर वो एक्सेस ना हो जो कम्युनिटी को, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स या उन लोगों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन या उनकी अपनी जमात के तहत हम उन्हें न सिर्फ मुत्तहिद कर सकते हैं बल्कि उन्हीं लोगों के मसाइल पे CLLG पॉलिसी बनी हुई है। और मैं समझती हूँ पूरे बलूचिस्तान में तो काम होना चाहिए लेकिन खुजदार में स्पेशली काम होना चाहिए। खुजदार में इस इंटरवेंशन की अशद ज़रूरत है कि अगर इसको खुजदार में अप्लाई किया जाएगा तो बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मैं समझती हूँ एक रोल मॉडल होगा। बाकी उसके अलावा एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ जो सामने आ रही है, ज़ाहिर CLG पॉलिसी जहाँ पे सबको सपोर्ट करेगी मुकम्मल कम्युनिटी को, वहाँ पे मैं समझती हूँ वुमेन डेवलपमेंट के कंसर्न में कि 55% आबादी हमारी ख़वातीन है, तो ये पॉलिसी वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेंस की हालत को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार होगा इसके थ्रू कम्युनिटी लेवल पे, कस्बे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सूबाई सतह पे। तो इस इंटरवेंशन की बेइंतहा ज़रूरत खुजदार में मैं समझती हूँ पूरे बलूचिस्तान में, सबसे पहले खुजदार में। बहुत खुशाइंद बात है कि DAI ने डिस्ट्रिक्ट खुजदार में स्टेक होल्डर्स के लिए CLLG पॉलिसी की ट्रेनिंग का इनेकाद किया। CLLG पॉलिसी प्रेस प्रोग्राम का हिस्सा है और प्रेस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जो पॉवर्टी को ग्रास रूट लेवल पर एड्रेस करता है। पहली बार खुजदार के गवर्नमेंट ऑफिशल्स के लिए और स्टेक होल्डर्स हैं जितने सिविल सोसाइटी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लाइन हेड्स के लिए ये एक इंतहाई मुफीद ट्रेनिंग था। इस वजह से क्योंकि अगर पॉलिसी तो अडॉप्ट हो चुकी है, इस पॉलिसी की अडॉप्शन के बाद जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा वो इस CLLG पॉलिसी के थ्रू होगा।